आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खास बुलेटिन की। भारत में पिछले 24 घंटों में 37,154 नए कोविड 19 के मामले सामने आए हैं, जबकि 724 लोगों की जान चली गई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को कहा है कि महामारी से ठीक होने वालों की कुल संख्या 3 करोड़ को पार कर गई है। ये लगातार 34वां दिन है जब भारत में कोरोना वायरस के 1 लाख से कम नए मामले सामने आए। देश में कोरोना के सक्रिय मामले अब 5 लाख से नीचे आ गए हैं। देश में वर्तमान में 4 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं और अब तक कुल 4 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 39,000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिससे अब तक कुल 3 करोड़ से ज्यादा लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक कुल 37 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार 11 जुलाई तक 43 करोड़ नमूनों की कोविड-19 के लिए जांच की जा चुकी है। 6 जुलाई को भारत में 553 मौतें दर्ज की गई थी, जो 6 अप्रैल के बाद से सबसे कम है। भारत में दूसरी लहर के चरम पर 23 मई को 4,454 मौतों का आंकड़ा भी सामने आया था। वहीं सोमवार को ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बधाइयां दी है और सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट पर लिखा, रथ यात्रा के विशेष अवसर पर सभी को बधाई। हम भगवान जगन्नाथ को नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद सभी के जीवन में अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए। जय जगन्नाथ। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट करते हुए सभी के सुख और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। उन्होंने कहा, मैं कामना करता हूं कि भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से सभी देशवासियों का जीवन सुख समृद्धि और स्वास्थ्य से भरा रहे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी कामना की है कि देवताओं के आशीर्वाद से कोविड-19 महामारी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। उन्होंने सभी के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रार्थना की है कि भगवान जगन्नाथ सभी पर अपना आशीर्वाद बरसाएं और सभी के जीवन को अच्छे स्वास्थ्य समृद्धि और सौभाग्य से भर दें। शाह ने ट्वीट किया, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। महाप्रभु जगन्नाथ सभी पर अपना आशीर्वाद बरसाएं और सभी के जीवन को अच्छा स्वस्थ समृद्धि और सौभाग्य से भर दें। जय जगन्नाथ। तो वहीं जयपुर से एक दुखद खबर सामने आई है। जयपुर के आमेर में मावठे के सामने बने वॉच टावर पर रविवार देर शाम मूसलाधार बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया। बिजली गिरने से वॉच टावर पर सैर सपाटा करने पहुंचे 11 लोगों की जान चली गई। वहीं करीब एक दर्जन से ज्यादा लोग इस हादसे में झुलस गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू टीम की मदद से शवों और बेसुध हालत में झुलसे पड़े लोगों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि आमेर में मावठे के सामने अरावली की पहाड़ियों में करीब 500 मीटर की ऊंचाइयों पर वॉच टावर बना हुआ है। रविवार दोपहर बाद से ही मूसलाधार बारिश होना शुरू हो गई, जिसके कारण वॉच टावर पर सैर सपाटे के लिए काफी लोग पहुंच गए थे, जिसके बाद वहां बिजली गिरने से यह हादसा हो गया जो कि भीषण है। वहीं उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में मूसलाधार बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से करीब 38 लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 14, कानपुर देहात में 5, फिरोजाबाद और कौशाम्बी में 3-3, तो वहीं उन्नाव और चित्रकूट में 2-2 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। वहीं घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है और जिला प्रशासन को त्रासदी प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने के निर्देश दिए। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक कानपुर, प्रतापगढ़, आगरा, वाराणसी, रायबरेली से भी मौत की खबरें आई हैं। कौशाम्बी में मृतकों की पहचान 12 वर्षीय रुकमा, 50 वर्षीय मूरत ध्वज, 32 वर्षीय रामचंद और 15 वर्षीय मयंक सिंह के रूप में हुई है। वहीं फिरोजाबाद में 50 वर्षीय हेमराज और 40 वर्षीय रामसेवक एक नीम के पेड़ के नीचे खड़े थे, तभी बिजली की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बिजली गिरने से शिकोहाबाद क्षेत्र के 60 वर्षीय अमर सिंह की भी मौत हो गई। गाजीपुर और बलिया से भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं। पेड़ के नीचे ठाड़ में बिजली गिर गई। फिर क्या हुआ, कैसे अचानक कैसे गिर गई, क्या हुआ एकदम से? क्या क्या कर रहे थे वहाँ पे? ठाड़ थे ना, पानी हो तो हमने को एक ही तरह बच जान। चाचा हमारे रहते हो भी तो ठीक पर खत्म है, हम एक लंग गिरेंगे। तो जहां
तमाम राज्य आकाशीय बिजली गिरने से आज त्राहिमाम कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में लगातार बाढ़ बारिश से जीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। बिहार में बाढ़ के पानी ने आम लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। लोग अपने प्रियजनों की मौत के बाद भी लोग शव का अंतिम संस्कार भी सुकून के साथ नहीं कर पा रहे। बाढ़ प्रभावित मुजफ्फरपुर जिले के शहर और कई ग्रामीण क्षेत्रों में शमशान घाट भी बाढ़ के पानी से डूब गए हैं, जिससे अंतिम संस्कार में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक और गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले के शहरी क्षेत्र में स्थित शमशान घाट पर भी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले यहां अंतिम संस्कार करने का सारा सामान आसानी से उपलब्ध हो जाता था, लेकिन नदियों के बढ़ रहे जलस्तर से अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों और अन्य सामानों की दुकानें भी जलमग्न हो चुकी हैं। मुसहरी के सिकंदरपुर घाट मुक्ति धाम भी पूरी तरह से जलमग्न है। नदी किनारे लकड़ी की दुकानों में भी पानी भर गया है, जिससे यहां अंतिम संस्कार के लिए आने वालों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और ये पहली बार नहीं है, हर साल इस तरह का दृश्य बिहार से सामने आता है, लेकिन बिहार सरकार अच्छी नीतियों और विकास की ढिंढोरा पीटती है। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।